नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में ईद उल अदा की हार्दिक शुभकामनाएं पर कुछ इस तरह का पोस्टर बनाने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का पोस्टर अपने मोबाइल या कंप्यूटर में बनाने के लिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। और साथ ही आपको बिना पासपोर्ट का PLP फाइल भी देंगे। तो दोस्तों PLP फाइल को लेने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना होगा, क्योंकि हम वीडियो में ही बताएंगे कि आप PLP फाइल को कहां से डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आपको पोस्टर बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पिक्सल ऐप। तो हम पिक्सल ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिए हैं, अब वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों जब पिक्सल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको ओपन कीजिएगा, तो कुछ इसी तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देंगे। उसके बाद ये न्यू टैक्स का जो ऑप्शन दिख रहे हैं ऊपर डिलीट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों वो डिलीट हो गए। उसके बाद अब पेपर का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा करना है, तो पेपर का साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ देखिए साइड में 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। तो उसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए बीच में इमेज साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। तो उसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएंगे। उसके बाद ये वित्त जो है 1280 वहाँ 1000 रखेंगे। उसके बाद यह हाइट जो है 1280 और रहने देंगे। उसके बाद ओके करेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों पेपर का साइज जो है बड़ा हो गया है। उसके बाद अब पोस्टर का जो है बैकग्राउंड पहले से बना के रखे हैं, यानी PLP फाइल को। तो PLP फाइल को लाने के लिए यहाँ देखिए नीचे दो तौर का ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें क्लिक करेंगे। तो उसमें क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, तो यहाँ देखिए फॉर्म गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो पिक्सल ऐप में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है पोस्टर का बैकग्राउंड को ले लेते हैं। उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों पोस्टर का बैकग्राउंड जो है वो सेट हो गए हैं। उसके बाद इसमें जो है कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए नीचे ए का ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद साइड में प्लस का ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखने के लिए नीचे पेंसिल का आइकन दिख रहे हैं, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद ये न्यू टैक्स का ऑप्शन दिख रहे हैं, उसको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ जो है लिखेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों लिख दिए। तो लिख लेने के बाद ओके करेंगे, ओके कर देने के बाद उसके बाद अब इसको जो है एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, तो यहाँ देखिए तो साइज़ का ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है साइज़ को बढ़ा देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, तो यहाँ देखिए कलर का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम जो है कलर ले लेते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए फंड का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप किसी भी फंड को रख सकते हैं, तो फिलहाल हम इसको ले लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ देखिए स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें से हम बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसको अच्छा से सेट कर देते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अब PNG को डाउनलोड करके रखे हैं, उसको लिख के आएंगे। तो PNG को लाने के लिए ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद नीचे देखिए फॉर्म गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड में क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जो है PNG को ले लेते हैं। उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको अच्छा से सेट कर देते हैं। उसके बाद इसको जो है इस साइड के लिए जो है कॉपी कर लेना है, तो कॉपी करने के लिए बीच वाला आइकन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद तो यहाँ देखिए ऊपर कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों कॉपी हो गए। उसके बाद अब इसको जो है रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, तो यहाँ देखिए 3D रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे वाले को जो है फूल कर देंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, इसको अच्छा से सेट कर देते हैं, तो ये हो गए दोस्तों। उसके बाद फिर से लिखेंगे, तो लिखने के लिए फिर से प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे। उसके बाद साइड में जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखने के लिए नीचे पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे।
तो ये न्यू टैक्स का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ जो है लिखेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों लिख दिए, तो लिख लेने के बाद ओके करेंगे। ओके कर देने के बाद अब इसको जो है एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। तो यहाँ देखिए साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है साइज़ को बढ़ा देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए कलर का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें से हम जो है ब्लैक लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, तो यहाँ देखिए स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें से हम बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको जो अच्छा सेट कर देते हैं, तो ये हो गए दोस्तों। उसके बाद फिर से लिखेंगे, तो लिखने के लिए फिर से प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे, तो ये न्यू टैक्स का ऑप्शन दिख रहा है, उसको हटा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों लिख दिए, तो लिख लेने के बाद ओके करेंगे। ओके कर देने के बाद इसको जो है फिर से एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए फिर से स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। तो यहाँ देखिए फंड का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास माई फंड डाउनलोड किया हुआ है, तो माई फंड में क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें से हम इसको ले लेते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे, तो इसमें से हम बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, तो यहाँ देखिए कलर का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें से हम इसको रख देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे, तो यहाँ से साइज़ को बढ़ा देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको जो अच्छा सेट कर देते हैं। उसके बाद उसी तरह जो है नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों लिख दिए, तो लिख लेने के बाद उसके बाद नीचे जो है अपना चैनल का एक बैनर सेट करना है, तो बैनर सेट करने के लिए ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे फॉर्म गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो पिक्सल ऐप में क्लिक करेंगे, क्योंकि बैनर पिक्सल ऐप में ही बनाया है। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा क्रॉप कर देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको जो अच्छा सेट कर देते हैं, तो यहाँ देखिए दोस्तों सेट कर दिए। उसके बाद आप फ़ोटो लेके आएंगे, तो फ़ोटो लाने के लिए फिर से प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म गैलरी में क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड में क्लिक करेंगे, तो यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा क्रॉप कर देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, इसको अच्छा सेट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों सेट कर दिए। उसके बाद आप नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद नाम लिखने के लिए नीचे पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे, तो ये न्यू टैक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हटा देंगे। उसके बाद नाम लिखेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों लिख दिए, तो लिख लेने के बाद ओके करेंगे। ओके कर देने के बाद, तो यहाँ देखिए दोस्तों इसको एडिट करके अच्छा से सेट कर दिया है। तो दोस्तों मेरा पोस्टर जो है फाइनल हो गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप अल्लाह से सच्चा प्यार करते हैं, तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।